हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम साधना और आज मैं रिएक्शन करने जा रही हूँ ना भाजा लिरिक वीडियो पे। तो शुरू करते हैं। परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस। सारे का कारोबार। दो बंदूक रखे हैं, समझ जाओ बस। अब मेगा स्टार चिरंजीवी। ये बैकग्राउंड म्यूजिक होने वाला है मेरे हिसाब से। ओ यार, ये सच में बहुत मस्त लग रहा है। श्री कृष्णा सिंगर्स। अनंत श्रीराम। I want to sing this song lyrics. Nacha bacha chachara adigora. Impressive. I like this song actually. तो गाइस, जैसे कि मैंने ये गॉड फादर का सॉन्ग देख लिया है, ना जब जजरा, इट वाज इम्प्रेसिव। एक्चुअली मैंने इस टाइप के सॉन्ग्स देखे नहीं है, ठीक है, और मतलब सुने भी नहीं है इस टाइप के सॉन्ग। मुझे बहुत डिफरेंट लगा और मेरे हिसाब से ये ना कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड थीम होने वाली है मेगास्टार चिरंजीवी की जब एंट्री होगी, जब वो फाइट करेंगे ना, मेरे को लगता है उस टाइम पे ये बैकग्राउंड म्यूजिक ये वाला थीम रहेगा। मुझे बहुत इंप्रेसिव लग रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है। जिस तरीके से वो फाइट सीन था ना, और जिस तरीके से दिखा रहे थे, मतलब पूरा वो तो मस्त था। खैर, था तो लिरिकल बट इम्प्रेसिव था, क्योंकि मुझे लिरिक्स और जो उसका मतलब और बीच में जैसे टोन एकदम से चेंज हुई, मतलब ओ, मतलब बहुत इंप्रेसिव लगा मुझे सीरियसली। अगर इसको एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करते हैं, खतरनाक रहेगा। थमन एस के म्यूज़िक हमेशा ही खतरनाक ही होता है भाई। BGM की बात करो और थमन एस तो हमेशा नंबर वन पे रहते हैं। तो मुझे बहुत मस्त लगा, बहुत मस्त लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल सी यू सपोर्ट इन योर कमेंट। टिल देन, बाय बाय।